Hello everyone, so welcome back to my channel and hope so that you all are good. As you know that कि हम अपने last videos में अब तक spoken English और IELTS के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसी के बारे में videos चल रही हैं. So as I have told you that कि हम PTE का course भी यहाँ पर लेकर चलेंगे क्योंकि बच्चे बहुत सारे students हैं जो Australia हैं, कनाडा है और मोस्टली ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के लिए पीटी करना कंपलसरी होता है. वहां जाके उन्हें भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी यहाँ से. और जो स्टूडेंट से आयल्स नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो आई हैव टोल्ड यू कि पीटी थोड़ा सा उससे इजी है, तो आप कर सकते हो अगर आपकी कंप्यूटर बेस में अच्छी कमांड है तो. सो दैट इज वाई आज हमने पीटी का इंट्रोडक्शन एक पहले वाली वीडियो में दिया था जो मैंने आपके साथ शेयर की है. होप सो दैट कि आपने वो उसे वॉच किया होगा. अगर आपने उसे वॉच किया होगा तो आपको आज की क्लास बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी. सो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पीटी के फर्स्ट मॉड्यूल. वैसे तो पीटी का फर्स्ट मॉड्यूल स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है, पर हम यहाँ पे बात करेंगे पहले रीडिंग के बारे में क्योंकि रीडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. सो दैट इज वाई हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगी. तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग है क्या, पीटी में रीडिंग में क्या करना होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आल्स रीडिंग और पीटी रीडिंग. सो रीडिंग, जो रीडिंग मॉड्यूल होता है इसमें हमारा जो होता है टाइमिंग 31 to 40 minutes मिलती है. 30 to 40 minutes के बीच में लेकर चलिए, ओवरऑल आपको 40 minutes आपकी डेडलाइन होती है. तो 40 minutes के अंदर आपका ये मॉड्यूल फिनिश हो जाता है. इसमें आपका कोई पेन पेपर नहीं यूज करना होता, ओनली कंप्यूटर और स्क्रीन आपके सामने होगी. अब बात करते हैं कि रीडिंग में कितने टास्क होते हैं. जैसे कि हमारा आयल्स में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते थे रीडिंग में, ट्रू फॉल्स, पैराग्राफ, मैचिंग, सच एज, वैसे ही पीटी के मॉड्यूल में, पीटी के रीडिंग मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन कौन सा है. तो उसी टाइप से हमारे 5 टास्क होते हैं, 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग मॉड्यूल में. अब हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर. इसका नेम है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर. आपके पास मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपको एक सिंगल आंसर पर टिक करना होगा. अब वो टिक कैसे करना होगा, उसको क्लिक कैसे करना होगा, क्या चीज होती है उसमें, वो सब आपको बताते हैं. सबसे पहले आपके पास एक टेक्स्टुअल पैसेज आएगा 100 वर्ड्स का. आपकी स्क्रीन पर, आपकी जो सिस्टम की स्क्रीन होगी, आपके सामने एक टेक्स्टुअल पैसेज आएगा, एक पैराग्राफ आएगा. और वो पैराग्राफ लाइक 3 से 4 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं. तो ओवरऑल उसकी वर्ड लिमिट 100 और 150 वर्ड्स होगी. उसके नीचे आपको एक मेन स्टेटमेंट दी होगी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिलेटेड टू दिस व्हाट इज ओके और व्हाट इज राइट और व्हाट इज ट्रू, व्हाट एवर. मेन स्टेटमेंट के नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे ए बी सी और ए बी सी डी भी हो सकता है. तो आपको अब उस ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करना है. वो क्लिक कैसे करेंगे, आपको क्या चीज देखनी है पैसेज के अंदर, देखो वैसे तो वो 100 वर्ड का पैसेज है तो उसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, डेफिनेटली सी बात है. बट बहुत ही स्पीडली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको मिलते हैं ओनली 1 to 2 minutes. एक क्वेश्चन करने के लिए हमें ओनली 1 to 2 minutes मिलते हैं. तो दैट इज वाई हमको 2 मिनट से ऊपर इसको एक सेकंड भी नहीं देना है. कोशिश कीजिए 1 और 1.5 मिनट में आप इसको फिनिश कर सकें. सो दैट इज वाई आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके नीचे आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आपको मैच करना पड़ेगा. बट हमारा जो इसको करने का एक ऑप्शन है, एक ट्रिक है जिससे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो. बट वो 70% ट्रिक आपकी काम करती है, 60% 70% मैं आपको पूरा क्लियर नहीं बोल सकती कि 100% वो ट्रिक आपको वर्क करेगी. वो ट्रिक ये है कि मोस्टली अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और इन एग्जाम्स और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए ये सब मैंने जस्टिफाई किया कि जो इनमें से जो आंसर आपको मिलेगा मोस्टली कहीं ना कहीं मैंने फाइंड आउट किया या तो फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर होगा या फिर लास्ट में जहां कंक्लूजन होता है, जहां पे कंक्लूजन हो रहा होगा मोस्टली या तो आंसर वहां पे दिया होगा या फर्स्ट पैराग्राफ में दिया होगा. ऐसा ही होता है, 60% ऐसा होता है. तो आप थोड़ा जब पैसेज को रीड आउट करोगे, करना आपको पूरा है पर आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को डीपली पढ़ना है, देन यू विल जस्ट रीच टू योर आंसर. सो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो लाइक मैंने ऐसे ही आपको अपनी साइड से, अपने एक्सपीरियंस से ही बताई है और ये वर्क करती है स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली. तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, क्या चीज है, तो इसको समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी जिसमें मैं मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर के
कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगी और आपको उन क्वेश्चंस पर जाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि रीडिंग का ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ये है क्या और इसे कैसे करना है। तो 5 से 6 क्वेश्चंस का लिंक मैं सेंड करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, डोंट फॉरगेट टू सी डिस्क्रिप्शन, और आपको उसके अकॉर्डिंग फिर उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। एंड आफ्टर दैट जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे एग्जाम में, वो होंगे आपके 2 to 3 क्वेश्चंस। 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे आपका पीटी का एग्जाम चल रहा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके या तो 2 क्वेश्चंस होंगे या 3, तो दैट इज वाई आपको 1.5 मिनट में इसको एक क्वेश्चन को फिनिश करना है। तो ये होता है रीडिंग मॉड्यूल का फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके दूसरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, पर पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर एक इसका फॉर्मेट चेक कीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा और आप इसको कैसे कर सकते हो। तो ये है आपका पीटी ही, और इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नीड टू गो इंस्टीट्यूशन। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ही वीडियोस देख के चलते रहते हैं तो आप पीटी आराम से घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ बिग डील, इट इज अ सिस्टम वर्क, और जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट ट्रिक्स टिप्स और फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस और प्रैक्टिसिंग मटेरियल, सो यू कैन डू एट योर होम। So that is why don't forget to watch my videos if you want to do PT, if you want to get score in the PT. और अब तक जिन्होंने PT की first video नहीं देखी है, just go back to my videos and find out the PT 1 and you will just understand, you will come to know that completely about PT. What is this and what I am making you understand. So that is why thank you so much for this.